अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घर में खुश होंगे और अल्लाह से दुआ भी यही है कि हम और आप अपने अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, हंसते बसते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है जो कि हम सभी लेडीज करती हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। देखिए, हम और आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम एक से दो दुकान ज़रूर जाते ही जाते हैं कि इससे अच्छा और मिल जाए या फिर इससे कम प्राइस और मिल जाए। सभी लेडीज ऐसा करती ही हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए अगर पैसे बचते तो हमारा ही भला होता है, किसी और का नहीं होता। हमें अच्छी चीज़ भी मिल जाती है और हमारे पैसे भी बच जाते हैं ऐसा करने से। ऐसा ही मैं भी करती हूँ। मैं ऐसे ही नहीं कुछ भी खरीद लेती हूँ कि हाँ ये भी ले लो, वो भी ले लो और वो भी खरीद लो, ऐसे ही नहीं। अगर हाँ ज़रूरत है तो ही हमें खरीदना है। ऐसा नहीं कि बस खरीदते रहें, कवाड़ भरते रहें, सामान भरते रहें घर में। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हमें वही लेना चाहिए। तो वही मैं करती हूँ और अपना वही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे भुरके पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। पर्स है, भुरके हैं, सैंडल्स है, ये सब चीज़ों का और दूसरी चीज़ों का भी शौक है, मगर मैं फिर भी उन्हें देखभाल के ही खरीदती हूँ, सोच समझ के खरीदती हूँ। ज़्यादा मैं खर्च बिल्कुल नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है ऐसा ज़्यादा खर्च करना, और ये बात अल्लाह को भी पसंद नहीं है, अल्लाह भी इससे नाराज़ होता है। चलिए आइए आज का जो टॉपिक है मैं वो स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, ये मेरा भुरका है, ये जामनी कलर का भुरका है जिसको बैंगनी कलर भी कहते हैं। ये कलर का भुरका मेरे पास नहीं था तो ये मुझे भुरका पसंद आया तो ये भुरका मैंने ले लिया। देखिए यही भुरका है वो, और इसी भुरके के साथ का ये दुपट्टा है। इसका बॉर्डर भी वैसा ही है और इसके जो स्टोन थे वैसे ही सेम इसमें लगे हुए थे। ये मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने ये ले लिया था। देखिए, और ये मुझे सस्ता भी बहुत पड़ा था। ये मैंने मोहम्मद अली रोड से लिया था, मुंबई में है मोहम्मद अली रोड, मेरे घर के पास ही है तो हम लोगों को ज़्यादा आसान पड़ता है वहाँ से लेना, तो हम लोग वहीं से ख़रीदते हैं। अच्छे भी मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाती है, बहुत जगह के बाहर के लोग भी वहीं से आके ख़रीदते हैं। तो ये मुझे सस्ता मिला था इसलिए मैंने ले लिया था, ये मुझे बहुत पसंद आया था। मैं कैसा करती हूँ कि मेरा जो भुरका होता है रेगुलर वो अलग होता है, कहीं आने जाने वाला भुरका जो होता है वो मेरा अलग होता है। देखिए ये नंबर वन भुरका था मेरा। अब ये देखिए, ये है मेरा सेकंड भुरका। ये देखिए, इसको कहते हैं अबाया। ये अब मैं ज़्यादा पहनती नहीं, पार्टी वेयर भुरका है ये। ये देखिए यहाँ पे है ऐसा, मैं इस वीडियो में पूरा डाल दूंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा ऐसा रहता है। ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है इसमें। इंसान पहन ले अगर तो बहुत अच्छा फील होता है। कपड़ा भी इसका बहुत सॉफ्ट है। ये मैंने खरीदा था 2000 रुपए का। वो वाला मैंने जामनी वाला जो मेरा बुरका था वो मैंने 1500 या 1600 रुपए में खरीदा था। ये वाला मेरा बुरका था 2000 या कुछ उसके ऊपर पैसे थे, कुछ और पैसे थे। और ये है उसके ऊपर का दुपट्टा, ये देखिए सेम है। सबके ऊपर काले ही दुपट्टे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा वही कलर का दुपट्टा हो और बॉर्डर ब्लैक हो, ऐसा नहीं था। ये देखिए इसके साथ ये दुपट्टा है, ये वाले भुरके के साथ मेरे, ये पार्टी वेयर भुरका है मेरा। जब भी मैं शादी वगैरह में जाती हूँ तो यही वाला भुरका पहनती हूँ। ये हो गया मेरा सेकंड भुरका। मैं आपको अपना थर्ड भुरका बताती हूँ, माशाल्लाह। ये देखिए, ये है फुल ब्लैक, इस पे भी स्टोन का काम हुआ है, मगर जो इसकी स्लीव्स है ना ये पैक है तो ये मुझे ज्यादा पसंद आया था तो मैंने ये भी खरीद लिया था। ये देखिए पूरा ऐसा है, ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये इसकी स्लीव्स पैक थी इस वजह से, क्योंकि मेरे पास पैक स्लीव्स वाले एक भी नहीं था। ये स्टोन का काम हुआ हुआ इस पर, ये देखिए अच्छी लेंथ भी है इनकी, मैं आपको बता दूंगी पहनकर। और ये देखिए इसका ये दुपट्टा है, ये साइड पे इसके बॉर्डर है और ये स्टोन का काम हुआ है इसके ऊपर, तो ये भी मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया था। हाँ
मगर बात यह है कि आप अपना बजट देखिए जब जाके चीजें खरीदे, ऐसा नहीं कि जैसा अच्छा लगा या इसका देखा या उसका देखा हमने खरीद लिया। मेरे बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि हमें फिजूल चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, जो चीज की जरूरत है वो वही खरीदनी चाहिए और खरीदने से पहले सोचना चाहिए। ये देखिए ये सस्ते सस्ते बुरके हैं, महंगे नहीं है। आप मोहम्मद अली रोड चले जाएंगे ना वहां पे तो आपको बहुत महंगे महंगे बुरके मिलेंगे, बहुत। आप बड़ी से बड़ी शॉप में वहां चले जाओ तो 8,000-10,000 तो स्टार्ट होता है, तो मैं तो वो नहीं खरीदती क्योंकि मैं इतना एक बुरके में एक पैसा इतना खर्च नहीं कर सकती, 10,000-12,000 बिल्कुल नहीं। ये देखिए ये इसी का है, ये हो गए मेरे तीनों बुरके। मेरे बाहर आने जाने वाले दो बुरके हैं वो नॉर्मल है, इतना उसमें कुछ काम वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है, इसलिए मैंने आपको वो नहीं बताया। अब देखिए मैं आपको है ना अपने नकाब बताती हूँ। ये देखिए वो बुरका मैंने, वो भी 1500 या 1600 का बुरका था जो अभी मैंने आपको ब्लैक वाला बताया था, 1500 या 1600 रुपए का है, ज्यादा महंगा नहीं है। अपने बजट के हिसाब से लेना चाहिए, अगर आपको शौक है पहनने का तो अपने बजट के हिसाब से लीजिए, ज्यादा फिजूल खर्ची बिल्कुल मत करिए, क्योंकि एक चीजें नहीं होती, आप खुद जानती है कि आजकल बुरकों के ऊपर भी सैंडल अलग अलग पहनी जाती है, अलग अलग पर्स लिए जाते हैं, तो इसलिए सोच समझ के खर्च कीजिए पैसा। पैसा कमाना बहुत बहुत मुश्किल होता है आदमियों के लिए, तो वो हमें सोच समझ के खर्च करना है। ये देखिए ये है मेरा नकाब, ये वाला नकाब है मेरा रेगुलर के लिए। एक ये है, ये मैंने 100-100 रुपए में लिया था, वहीं से मोहम्मद अली रोड से ही लिया था। मोहम्मद अली रोड मुंबई में है, क्रॉफर्ड मार्केट के पास। एक देखिए एक ये नकाब है, ये मेरा पार्टी वेयर नकाब है, जब कहीं शादी वगैरह में या कोई फंक्शन में जाती हूँ मैं तब पहनती हूँ इस नकाब को। ये थोड़ा सा महंगा था, 300 या 400 रुपए का कुछ था ये, तो ये मैं पार्टी वगैरह के लिए रखती हूँ, फंक्शंस के लिए रखती हूँ। और ये है मेरा एक दूसरा एक और नकाब, जिसमें मुझे यहाँ पे जो आजकल चल रहे हैं ना, यहाँ पर झूमर झूमर लगाते हैं लोग, यहाँ पे कुछ मोती टिकली वगैरह होता है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इससे पहले वाला जो मैंने आपको बताया है ये देखिए, मुझे ये भी बिल्कुल नहीं पसंद आता है इसका ये, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करती हूँ। अजान हो रही है, रुकिए जरा। देखिए जब अजान हो रही थी तो मैं रुक गई थी, मैं आपको यही बता रही थी कि ये देखिए जो आजकल निकले हैं ना ये, इस पे कुछ लिखा रहता है अरबी लैंग्वेज में, तो ये भी मुझे नहीं पसंद है। और ये जो यहाँ पर झूमर आने लगे हैं, टिकली मोती का काम होता है, वो भी मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं वो सब चीज़ नहीं खरीदती। तो ये मुझे इतना खास पसंद नहीं था, सिर्फ इसको लेकर मैंने उनसे कहा था भी कि सिंपल है इसमें, तो उन्होंने कहा था कि आप एक काम करना इसको काट लेना, मगर ये काट दूंगी तो ये अजीब लगेगा, तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो उसके ही जैसा मैंने ये वाला लिया है, देखिए ये वाला, ये सेम है, इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा मुझे, ये डेली वेयर के लिए मुझे बहुत सूटेबल है ये। और देखिए सबसे बड़ा मेरा ये नकाब है, ये बहुत ही अच्छा है, बड़ा है। ये देखिए ये जो ऐसे पहनते हैं इसको, ये पीछे से ऐसा रहता है, पूरा दुपट्टे के जैसा रहता है, ये वाला नकाब है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये पूरा कवर हो जाता है इससे, तो ये मुझे बहुत पसंद आता है, तो ये भी मैं कभी कभार पहन लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, ये साइड में रहता है, इसे भी मैं पहन लेती हूँ, मुझे ये भी पसंद है। और ये थे मेरे बुरके और नकाब की बातें आप लोगों से जो मुझे शेयर करनी थी। और आप लोगों से मैं एक बात करना चाहती हूँ, देखिए अभी मैंने स्टार्ट किया है वीडियो बनाना, तो अभी मेरा कैमरा इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, कैमरे के सामने इतना कॉन्फिडेंटली बोलना अगर, और जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए हम और आप नमाजें तो माशाल्लाह से पढ़ते ही हैं, भाई बहने जितने भी सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग सभी देख रहे होंगे मोबाइल में टीवी वगैरह में कि मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है, कहीं पर कभी कुछ सुनाई में देता है, कभी कुछ सुनाई देता है कि यहाँ पे मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ पर वैसा हो रहा है।
तो आप लोग प्लीज हर नमाजों में अल्लाह से दिल से पूरी शिद्दत से दुआएं करें कि अल्लाह हम सब मुसलमानों की अल्लाह तो हिफाजत करना, अल्लाह तो रहमान रहीम है, गफूर रहीम है। बहुत बहुत बुरा बुरा हो रहा है मुसलमानों के साथ, अल्लाह हम सब की हिफाजत करना खुदा। बहुत बुरा बुरा कर रहे हैं लोग। सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग सभी नमाजों में दुआ ज़रूर करें, बिल्कुल ना भूलें नमाजों में ये दुआ करना कि अल्लाह हम सब मुसलमानों की हिफाजत करना खुदा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकअल्लाह एवरीवन।